अस्सलामुअलैकुम गाइस, आज मैं आपके साथ बना रही हूँ सिजलिंग स्पैगेटी। इसमें मुझे चाहिए 3 बड़े आलू मैंने लिए जिनके मैंने क्यूब्स काट लिए हैं। साथ ही मैंने ली हैं 2 बड़े प्याज, इनके भी मैंने क्यूब्स काट लिए हैं। इसमें ये देखिए मैंने ली है 7 शिमला मिर्च जिसको मैंने क्यूब्स में काट लिए जैसे मैंने बाकी सब्जियों में काटा था। साथ मैंने लिया है 1/2 kg चिकन और 1/2 kg मैंने टमाटर लेके इनकी प्यूरी बना ली है, इनको ब्लेंड करके और सिंपल अंदर पानी डाल के और कुछ भी इसमें ऐड नहीं किया। साथ ही मैंने इसमें लिए हैं आपके सामने गार्लिक पाउडर, ये देखिए 1 टेबलस्पून। ये मेरे पास है सफ़ेद मिर्च 1 टीस्पून। साथ ही मेरे पास ऑरिगेनो हर्ब है जो आपको इजीली बाज़ार से मिल सकता है, ये मैंने 1/2 टेबलस्पून लिए। 2 बड़े टेबलस्पून मैंने लिए हैं चिकन पाउडर के, 2 टेबलस्पून मैंने नमक के लिए हैं। साथ ही 1/2 टेबलस्पून मैंने लिया है ये मस्टर्ड पाउडर और इसमें मैंने ले ली है 1/2 टेबलस्पून लाल मिर्च का, 1/2 टीस्पून मैंने ली है काले मिर्च और 1 टेबलस्पून मैंने ले लिया सूखा धनिया और ये मैंने लिया है लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट है जिसको मैंने दोनों चीज़ें एक साथ पीस के तो पेस्ट बना लिया इस तरह से। साथ मेरे पास है 1 प्याली घी, आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ये है मेरे पास 1/2 कप सोया सॉस, 1 कप सिरका और साथ ये मैंने 2 पैकेट स्पैगेटी के ले लिए हैं जो मैंने पहले से बॉईल करके रखे हुए हैं। आप देख सकते हैं बॉईल स्पैगेटी है जो मैंने नमक और ऑयल डाल के स्पैगेटी को बॉईल किया था और फिर इनको मैंने स्टेन किया और स्टेन करके भी मैंने इसकी ऑयलिंग कर ली ताकि ये एक साथ चिपके ना। आप देख सकते हैं कि कैसे अलग अलग हैं सारी। अब चलते हैं कुकिंग की तरफ। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने कढ़ाई ले ली है जिसके नीचे मैंने चूल्हा चला लिया और लाइट से इसको गर्म कर लिया और इसमें ये मैं ऑयल डाल रही हूँ। ठीक है, इसमें गाइस ये मेरे पास जो मैंने घी था इसके अंदर डाल दिया और ये गर्म हो गया। ठीक है, तो इसमें मैं डाल दूँगी अपनी ये गार्लिक और हरी मिर्च की पेस्ट इस तरह से। डाल के इसको मैं फ्राई करूँगी, लाइट गोल्डन कलर आपने इसको देना है। ठीक है, तो गाइस ये देखिए मेरे पास जो मैंने इसमें पेस्ट डाली थी वो गोल्डन होना शुरू हो गया है। अंदर से जो मेरा लहसुन था ये आप देख सकते हैं कैसे गोल्डन होना शुरू हो गया और एक बहुत प्यारी जो लहसुन की खुशबू होती है फ्राई होते हुए वो भी आने लगती है। तो इसमें मैं ऐड कर दूँगी अभी जो मैंने चिकन लिया था, देखें सबसे चिकन ऐड कर दूँगी इसके अंदर। चिकन ऐड करके इसको आपने सौते करना है, फ्राई कर लेंगे इसको इस तरह से। आप देख सकते हैं कि फ्राई होना शुरू हो गया, पकना शुरू हो गया और ये अपना पानी भी छोड़ रहा है। आपने इसको इतना पकाना है कि ये अपना पानी छोड़ दे और अच्छी तरह फ्राई हो जाए। लहसुन को आपने ज़्यादा जलाना नहीं, जैसे मैंने लाइट से गोल्डन कलर दिया था वैसे आपने इसको गोल्डन कलर देना सिर्फ। तो गाइस ये देखिए ये मेरे पास चिकन तकरीबन फ्राई हो चुका है क्योंकि चिकन है जल्दी पक जाता है। तो इसमें मैं डाल दूँगी जो मैंने आलू लिए थे, देखेंगे मेरे आलू जो हमारे पास आलू थे ये अंदर जा रहे हैं इस तरह से, उनको मिक्स कर लीजिए। ये देखिए और फिर इसके बाद ये जो आपके प्याज थे ये आपने इसके अंदर डाल के इनको फ्राई होने के लिए। ठीक है, ये देखें प्याज डाल के इनको मैं मिक्स करूँगी इस तरह से।
इनको थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ दूँगी। इतना मिक्स करूँगी कि हर आपका जो पीस है उसके ऊपर ऑयल लग जाए। इस तरह से ये फ्राई हो गई। इनको अपने फ्राई होने देने जब तक आपके आलू जो है नरम ना हो जाए और प्याज के अंदर फ्राई ना हो जाए। अच्छी तरीके से किसी चीज़ को ज़्यादा ब्लैक नहीं करना, जलाना नहीं है आपने। अगर कोई चीज़ जल जाए तो इसका टेस्ट आपका बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं चिकन के साथ मैंने आलू और प्याज जो डाले थे वो बिल्कुल फ्राई हो चुके हैं देखिए, और बिल्कुल आलू जो है ये गल चुके हैं। मैंने आलू पहले इसलिए डाले थे क्योंकि आलू गलने में टाइम लेते हैं, तो इस वजह से मैंने आलू को पहले डाला और साथ ही प्याज को भी मैंने कर लिया। और ये खरे खरे प्याज हैं मेरे पास, इनको मैंने जलाया बिल्कुल भी नहीं है और आपने भी नहीं जलाना क्योंकि ताकि आपका जो अंदर टेस्ट है फ्लेवर है जलने का ना आए और आपकी रेसिपी ख़राब ना हो। अब इसमें मैं क्या करूँगी देखें, अब मैं इसमें सिर्फ एक टेबल स्पून नमक का डाल रही हूँ, एक टेबल स्पून मैं अभी नहीं डालती। ओके, जब मैं इसमें नमक डालूँगी तो इसको मैंने मिक्स कर लिया, जैसे कि आपने देखा है नमक को मैंने मिक्स कर दिया और आँच मैंने नीचे स्टोव कर दिया। और ये जो मेरे पास टमाटो प्यूरी मैंने ली थी ये इसके अंदर मैंने इस तरह से डाल दी है सारी। टमाटो प्यूरी डालने के बाद मैं इसे मिक्स कर लूँगी, जैसे कि आप देख सकते हैं कैसे मैंने इसके अंदर टमाटो प्यूरी डाली है। और अब मैं इसको मिक्स करूँगी और आंच को मैं इसके नीचे तेज़ कर दूँगी, फुल फ्लेम कर दी मैंने। और इस सारे मिक्सचर को मैं इसके अंदर प्यूरी के अंदर मिक्स करूँगी, जैसे कि आप देख रहे हैं सारा अंदर डिप हो जाएगा। इसके साथ ही साथ जो ये देखे हैं मैंने 2 टेबल स्पून चिकन पाउडर लिया था, ये मैं इसके अंदर डाल रही हूँ ऐसे। साथ ही इसको भी मिक्स कर दूँगी। ये देखिए जैसे आप देख सकते हैं सब कुछ इसके अंदर है। साथ ही अभी देखिए जो मेरे पास ये सारे जो मसाले थे मेरे पास जैसे मैंने आपको पहले बताया था वो सब मैं लेके इसके अंदर डाल दूँगी और इस सब कुछ को भी मिक्स कर दूँगी। ध्यान से करना है क्योंकि ये आपके ऊपर भी उड़ के पड़ सकती है पूरी पकते हुए। जब ये पकने लगेगी तो ये उड़ के आपके ऊपर पड़ेगी, तो आपने इसको इस तरह से डाल के तो छोड़ देना थोड़ी देर के लिए जब तक इसका पानी नहीं अंदर सूख जाता। सो गाइस ये देखिए जो मैंने स्पेक्टी ली है इसको मैं अब इसके अंदर ऐड करूँगी साड़ी को। ठीक है, फिर मैं आपको तब आगे क्या करूँगी। गाइस अब मैं क्या करना है इसको सिजलिंग फ्लेवर देने के लिए, ये देखिए मेरे पास कुछ कोयले हैं जिनको मैं चूल्हे पर रख रही हूँ, आग पे रख रही हूँ ताकि ये पक जाए। ओके, इस तरह से आपने इसको रख दें, इतना रखना है कि ये रेड हो जाए। गाइस ये देखिए मैंने सारे कोयले इसमें डाल ली, ढक्कन उठाई और ये सारे, और ये मैं इसके ऊपर इस तरह से ऑयल डाल के तो फौरन इसको कवर कर दूँगी और दम दे दूँगी इसको तकरीबन 20 मिनट्स के लिए। तो गाइस अब ये है मेरे पास मेरी स्पेगेटी की फाइनल लुक। ठीक है, दम देने खोलने के बाद इस तरह से आपकी ये फाइनल लुक आ जाएगी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक भी कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली का शेयर भी कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आप जैसे ही मेरी कोई न्यू वीडियो आए आपको इन्फॉर्म हो सके। अल्लाह हाफिज़।